हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग रेसिडुअल थ्योरम बेस्ड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये इस सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और थोड़ा लेंदी रहेगा, तो आप इसको प्लीज़ आखिरी तक देखिए और अच्छे समझिए कि इसमें कौन से फॉर्मूले को मैं कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिडुअल टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 2π डी थीटा अपॉन 1 - 2π साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अपने प्रूफ करना है कि दिस इक्वल्स टू 2π अपॉन 1 - b² पी की जो वैल्यू दी हुई दैट इज फ्रॉम 0 to 1। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ आपको जो LHS दिया हुआ है उसको लिख लो पहले, दैट इज 0 to 2π डी थीटा अपॉन में 1 - b साइन थीटा प्लस पी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो ये था कि कॉस थीटा इक्वल्स टू e की पावर i थीटा प्लस e की पावर i - थीटा या फिर e की पावर -i थीटा अपॉन में 2 होता है, और साइन थीटा जो होता है वो अपना क्या होता बताओ तो e की पावर i थीटा - e की पावर -i थीटा अपॉन में क्या होता अपना, ये 2i होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बोला है तो इसको यूज़ करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन में कॉस दिया जाएगा तो उसको अपन इसके जगह पे ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप करो, देखो अपना क्या हो जाएगा, ये 0 to 2π, देखो ये अपना क्या होगा डी थीटा अपॉन में 1 - 2π, दिस इज e की पावर i थीटा - e की पावर -i थीटा अपॉन में 2i, ओके, प्लस पी स्क्वायर। इसको फिर से अपन सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, तो 0 to 2π हो जाएगा अपना, ये 2 कैंसल्ड, तो दिस इज डी थीटा अपॉन में 1 - p टाइम्स, देखो यहाँ क्या होगा e की पावर i थीटा - e की पावर -i थीटा अपॉन में i, यहाँ अपना क्या आएगा प्लस पी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, लेट e की पावर i थीटा इक्वल्स टू z, ओके, e की पावर i z को मैं कंसीडर कर दिया हूँ, तो e की पावर i थीटा (i d थीटा) इक्वल्स टू dz अपना हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करने पे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करने पे, अपना i क्या कांस्टेंट है, इसलिए e की पावर i थीटा (i d थीटा) इक्वल्स टू dz। तो ये मुझे यहाँ पे निकालना क्या, d थीटा इक्वल्स टू dz अपॉन में, देखो यहाँ क्या आएगा i z आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, डी थीटा को डी जेड वाले फॉर्म कर दिया कि नहीं। अब बात आती है कि अगर डी थीटा को डी जेड वाले फॉर्म में अपन चेंज करेंगे तो लिमिट क्या होगी उसकी, तो उसके बाद हमको समझना पड़ेगा। ये जो दिया है 0 to 2π दिया हुआ है, ठीक है, बेसिकली वो सर्कल के लिए दिया हुआ, लेकिन उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ देखो e की पावर i थीटा अपना ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पर मैंने क्या कंसिडर किया है, दैट e की पावर i थीटा = z। तो जब मैं इसको z लिखूंगा तो z की वैल्यू क्या होती है, x + iy होती कि नहीं, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग x को देखो कैसे लिखते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग x को लिखते हैं r cos θ and y = r sin θ, ये अपना मतलब क्या कहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म से आया है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म्स अपना क्या है, x = r cos θ, y = r sin θ है, तो दोनों को स्क्वायर करने पे देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, x² + y² = r² बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा अपना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करूँ, ठीक है, तो यू विल गेट r = 1, ओके, इसको अगर मैं यहाँ पे रख के कंपेयर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, r = 1 मिलेगा। तो मतलब क्या है, ये अपना सर्कल जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, जो लिमिट आपको दिया है 0 to 2π, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली सी लिख दूंगा। देखो यहाँ कैसे सी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये किसका है, कर्व के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, कर्व अपना क्या है, सर्कल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो 1 अपॉन में, ठीक है, पहले इसको लिखते हैं फिर देखते हैं कि डी थीटा को अपन कैसे लिखेंगे। तो 1 - इस आई को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, तो पी अपॉन में आई आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपना देखो क्या होगा, दिस इज जेड, इसको जेड बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, z की पावर -1 बोलेंगे, तो दिस इज 1 अपॉन में z बोलेंगे इसको, और ये अपना क्या रहेगा, एज इट इज आएगा, दैट इज पी स्क्वायर। डी थीटा देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी थीटा अपॉन में आई
सॉरी डी थीटा जगह हम क्या रखेंगे, डी जेड अपॉन में आई जेड रख देंगे। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल अंडर द कर्व सी वन अपॉन में दिस इज वन माइनस पी अपॉन में आई, दिस इज जेड इज स्क्वायर माइनस वन अपॉन में जेड प्लस पी स्क्वायर, दिस इज डी जेड अपॉन में आई जेड। ओके, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, आई को जो है पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे बेस में सभी जगह पे, ठीक है। ओके नहीं देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन सी। ओके जेड को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो जेड को कॉमन लेने पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन में दिस विल बिकम जेड। देखो यहाँ पे तीन टर्म दिए, एक दो और ये तीन टर्म दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे अपॉन जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जेड और एक यहाँ पे जेड आएगा, दैट इज जेड माइनस पी, यहाँ पे लिखो जेड इज स्क्वायर माइनस वन, ये आई जो आपको अपॉन में दिया है उसको यहाँ पे लिखो अपॉन में आई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्लस पी स्क्वायर जेड, अपॉन में जेड आएगा तो उसको अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जेड लिख देता हूँ मैं, तो दिस इज डी जेड अपॉन में आई जेड। अब देखो ये जेड जो इस जेड से कैंसिल हुआ कि नहीं आपका, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन अंदर तक ऑफ सी दिस इज, अब इस डी जेड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डी जेड अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे आई को भी ऐसे मैं कॉमन अपॉन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना क्या जाएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आई को जो है यहाँ पे डिवाइडेड में है कि नहीं, सब जगह क्या है अपन आई को रख लेते हैं, तो दिस इज आई जेड माइनस, इसको ओपन कर लो पी जेड स्क्वायर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज प्लस पी, और ये बताओ अपना क्या आएगा, प्लस आई पी स्क्वायर जेड अपॉन में आई आएगा, तो ये आई जो है इस आई से कैंसिल हो जाएगा अब आपका, ठीक है। अब आगे जो है देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी, यहाँ पे लिखो डी जेड अपॉन में, यहाँ पे आएगा आपका आई जेड, देखो माइनस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो दिस इज प्लस आई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस पी, यहाँ पे क्या आएगा आई पी स्क्वायर जेड, ये अपना हो गया है। अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी दिस डी जेड अपॉन में, यहाँ पर आई जेड दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, दोनों में आई जेड को जो अपन कॉमन निकाल लेंगे, तो आई जेड कॉमन निकालने पे यहाँ अपना बचेगा वन, यहाँ देखो हम क्या बचेगा आई पी जेड बचेगा, वैसे यहाँ हम क्या करेंगे पी कॉमन निकालेंगे, तो पी कॉमन निकालने पे यहाँ अपना क्या बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आई पी जेड कॉमन बचेगा, ये अपना हो गया है। आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ने पर अपना क्या आएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी दिस इज डी जेड अपॉन में, यहाँ पे अपना आएगा वन प्लस आई पी जेड इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे आई जेड प्लस पी, आई जेड प्लस पी, ये अपना हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पोल निकालेंगे, देयरफॉर द पोल्स आर गिवन बाय, देखो अपना क्या हो जाएगा, ये वन प्लस आई पी जेड इक्वल्स इंटू आई जेड प्लस पी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू पाओगे पी की वो ये है, सॉरी जेड की जो वैल्यू मिलेगी वो ये है माइनस पी अपॉन में आई, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस वन की जगह पर हम रखेंगे आई स्क्वायर, तो एक आई जो है नीचे से कैंसिल होगा, तो दिस इज आई पी, एंड आपको एक और मिलेगा दैट इज जेड इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन में आई पी मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वन के माइनस वन की जगह हम क्या रखेंगे आई स्क्वायर रखेंगे, तो एक आई जो है नीचे वाला आई से कैंसिल हो जाएगा, देखो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, माइनस वन जगह देखो हम क्या रखेंगे आई स्क्वायर अपॉन में आई इंटू पी, एक आई जो कैंसिल होगा दिस इज आई अपॉन में पी, तो ये जो है ठीक है, सिंस ये भी आपको कंडीशन दी हुई है दैट पी लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो ये जो है हमारे पास दो पॉइंट मिल गया है, किसको बताओ तो जेड के यहाँ पे दो पॉइंट मिल जाते मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इन दो पॉइंट्स के अबाउट क्या निकालना है, मुझे रेसिड्यू निकालना है, तो ठीक है आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके तो आपको जो मैं बताया था पहले वो ये था कि यहाँ पे एक आपका सर्कल बनने वाला, इसके रेडियस कितना दिया, वन दिया हुआ है, और जो पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर वन तक है,
तो यहाँ पर अगर आप इसको एक सर्कल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, ओके, मान लो आपका सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर रखा हुआ है, और ये कितना वन दिया हुआ है, ये अपने कितना माइनस वन होगा, दिस इज़ वन एंड दिस इज़ माइनस वन। तो यहाँ पे आपका जो दो वैल्यू आया हुआ है जेड का, दैट इज़ एक आपका दिया आई पी दिया हुआ है, एक अपना दिया वन अपन पी दिया हुआ है, और पी की वैल्यू कुछ भी रखोगे, ऐसे मान लो पी की वैल्यू कितनी है, वन से जीरो से वन के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज़ 0.5। तो 0.5 रखने पे आई इंटू 0.5 मतलब क्या यहाँ पे आएगा, ये यहाँ के कहीं बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो आई जेड इक्वल्स टू आई पी जो है ये अपना कहाँ पे आ रहा है, इन साइड विद इन द सर्कल आ रहा है, लेकिन अगर आप पी की वैल्यू को 0.5 यहाँ पे रखोगे तो ये अपने क्या होगा, 2i हो जाएगा। तो 2i होने पे क्या होगा, ये आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आप अपना है वो अपना क्या है, विद इन सर्कल है, और ये अपना क्या है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ये चीज़ को, यहाँ पे देयरफॉर जेड इक्वल्स टू आई पी इज विद इन द सर्कल एंड जेड इक्वल्स टू आई अपॉन में पी इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये अपने दिया हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे, देयरफॉर रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ आई पी दिस इक्वल्स टू लिमिट जेड इक्वल्स टू जेड टेंस टू आई पी, यहाँ हम क्या लिखेंगे, जेड माइनस आई पी लिखेंगे इंटू जब को दिया हुआ है, दैट इज़ वन अपॉन में पी प्लस आई जेड वन प्लस आई पी जेड, ये कहाँ से बताओ, तो यहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है। हम लोगों ने इस पॉइंट को अचीव किया था कि नहीं, तो ये अपना क्या है, फंक्शन है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या आपके यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट जेड टेंस टू आई पी, यहाँ पे देखो इसको एज इट इज़ लिखो, जेड माइनस आई पी, इसको एज इट इज़ लिख दिया, वन अपॉन में, देखो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है आई दिया हुआ है, देखो इसमें क्या करेंगे, एक माइनस रखूँगा यहाँ पे आई जेड रखूँगा, और यहाँ देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, और यहाँ पे क्या अपना प्लस था, तो माइनस माइनस अपना प्लस हुआ कि नहीं, मतलब ये है कि अगर मैं आई स्क्वायर की वैल्यू को माइनस वन रखता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ पी प्लस आई जेड, ओके। और इसको देखो हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, दैट इज़ वन प्लस आई पी जेड, ओके, इसका से क्लोज कर लो, ओके। तो यहाँ पे जो एक आई जो है इससे कैंसिल हो गया है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट जेड टेंस टू आई पी, यहाँ पे लिखो जेड माइनस आई पी वन, अच्छा अब देखो यहाँ पे आई नीचे में दिया हुआ है कि नहीं, तो उसको अपन आई ऊपर में शिफ्ट कर देते, दैट इज़ ठीक है, कॉमा ले लेंगे, तो ये अपना आई जो ऊपर में आ जाएगा, दैट इज़ आई पी माइनस जेड, यहाँ देखो क्या होगा अपना, ये वन प्लस आई पी जेड हो जाएगा, ये इतना हो गया है, ठीक है। अगला केस देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, या तो यहाँ से निकाल लो, फिर यहाँ से निकाल लो, कहीं से निकाल लो, क्या होगा आपस आपस में ये इक्वल हो जाएंगे। तो लिमिट जेड टेंस टू आई पी, मैं यहीं से कॉमन निकालता हूँ माइनस को, तो माइनस आई पी माइनस जेड, यहाँ अपना क्या है आई, ये अपना आई है आई अपॉन में आई पी माइनस जेड, यहाँ पर लिखो वन प्लस आई पी जेड, अपना हो गया, आपस में कैंसिल कर लो। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके, कैंसिल करने पर देखो हम क्या करेंगे, जेड की जगह पर हम लोग आई पी रखेंगे, तो माइनस आई, ये माइनस और यहाँ पे आई दिया, तो ये अपना माइनस आई हो गया, अपॉन में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वन प्लस आई पी जेड लिखा हुआ है, और जेड की देखो वैल्यू हम क्या रखेंगे, आई पी रखेंगे, तो वन प्लस आई पी ऐसा रख दिया इसको, दिस इज माइनस आई अपॉन में वन प्लस आई स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये माइनस आई अपॉन में वन माइनस पी स्क्वायर, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, तो ये अपनी वैल्यू आ गई, ठीक है। देयरफॉर बाई रेसिड्यू थ्योरम, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू पाई आई टाइम्स, क्या होगा आपके यहाँ पे रेसिड्यू, आपको जो पॉइंट था, ठीक है, कौन सा पॉइंट था, तो एफ ऑफ आई पी था कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, उसके पॉइंट अबाउट निकाले अपन फॉर्मूला यूज़ करके,
तो 2 पाई आई, यहाँ की जो वैल्यू है वो इतनी है, दैट इज़ माइनस आई टाइम्स 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव भी दिया हुआ, तो दिस इज़ माइनस 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1 होती है, तो माइनस 1 इंटू माइनस विल बिकम 2 पाई अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर, विच इज़ आर एच एस। तो आप क्या लिखोगे आखिरी में यहाँ पे नीचे में, हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको वीडियो को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।